ककरोला के पुराना पालम स्थित दुग्गल फॉर्म में मोबाइल टावर लगाने को लेकर लोगों ने जमकर किया हंगामा। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये एक घनी आबादी वाला क्षेत्र है और मोबाइल टावर लगाने से उनकी सेहत पर बुरा असर पड़ेगा। मोबाइल टावर के विरोध में इलाके के छोटे छोटे बच्चों ने हाथों में पकड़े पोस्टर पर लिखा हुआ था कि हमें भी बढ़ने और जीने का अधिकार है, कृपया हमसे वो ना छीना जाए। इस दौरान दर्जनों बच्चों ने टावर लगाए जाने के विरोध में नारेबाजी भी की। दरअसल ये इलाका घनी आबादी वाले क्षेत्र में आता है, यहाँ दो स्कूल भी है। इलाके के लोगों का कहना है कि बिना MCD की अनुमति के अवैध तरीके से इस टावर को लगाया जा रहा है। बच्चों और महिलाओं ने जमकर की नारेबाजी। सब जानते हैं कि ये जो अभी 5G टावर लग रहा है, ठीक है, रेडिएशन बहुत हार्मफुल है, ठीक है। अगर वो सही चीज कर रहे हैं तो लोग बिवेयर करें कि हाँ मैं ये कर रहा हूँ, उसके ये प्रोन्स है, ये कॉन्स है, पर वैसा कुछ भी नहीं कर रहा, वो तो भाग रहा है इन चीजों से, तो हम लोग उस चीज को कैसे करें। तो वी वॉन्ट कि आप मीडिया के थ्रू इसको पब्लिसाइज करें कि अगर आप कोई काम कर रहे हो तो लोकेलिटी को बताओ कि उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या है, ठीक है। मेरे पास डॉक्यूमेंट है, मैंने पूरा फोन में डाउनलोड किया हुआ है, वो एक भी रूल फॉलो नहीं कर रहा। उसने फर्स्ट ऑफ ऑल जो अपनी परमिशन लेनी थी उसको शो करना चाहिए था, बट इज नॉट शोइंग दैट परमिशन। कि हमारे घर के सामने 5G मोबाइल टावर लग रहा है, उसका रेडिएशन ज़्यादातर बूढ़े और बच्चों पे पड़ेगा, ये ज़्यादातर दिल और दिमाग पे पड़ता है। मैं मोदी जी से ये अपील करती हूँ कि वो इसे जल्दी से कहीं और शिफ्ट करा दे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।